दोस्तों आप तमाम लोग जान रहे हैं कि लगातार काउंटिंग जारी है और हम लगातार आपको तमाम सीट से अपडेट दे रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। जी हां, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए हैं, और ऐसे वैसे चुनाव नहीं जीते हैं, लगभग 1.5 लाख वोट से अफजाल अंसारी ने चुनाव जीत लिया। जी हाँ, ये खबर अब सामने आ रही है। अफजाल अंसारी, अब तमाम लोग जान रहे, एक बड़े चेहरा गाजीपुर सीट, मुख्तार अंसारी के भाई। पिछले दिनों मुख्तार अंसारी की मौत हुई, जिसके बाद कई सारे सवालात हुए। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ से जब इंडिया टीवी के पत्रकार रजत शर्मा ने यह बात कही कि आप पर यह आरोप है कि आपने जहर दे दिया, तो जवाब क्या था कि मरना तो था ही, मरना तो सबको है सीएम साहब, एक दिन कौन है जो यहां पर हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए आया है। लेकिन वो जवाब जनता समझ रही थी और जनता ने करारा जवाब दिया है, और उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी ने रिकॉर्ड मतों के साथ एक बार फिर जीत हासिल की है। जरा जाकर के देख लीजिएगा गाजीपुर के समीकरण को। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने सिर्फ वोट दे करके अफजाल अंसारी को चुनाव जिताया है, बल्कि अफजाल अंसारी को चुनाव जीतने में, उनके चुनाव जीतने में वहां के तमाम धर्म समुदाय के लोग शामिल थे। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि देश में नफरती फजा जो थी वो कम हुई है, और नतीजा ये सामने आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो 300 पार करने में उनके पसीने छूट रहे हैं। और गाजीपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अफजाल अंसारी को लेकर के खबर आई है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत रहे हैं, कुछ लोग 1.5 लाख बता रहे हैं, तो 1 लाख प्लस मार्जिन है। ये मार्जिन जो है वो आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा क्लियर होगा। तो गाजीपुर से दोनों सीट इकरा हसन, कैराना से इकरा हसन, इमरान मसूद जो है सहारनपुर से, अफजाल अंसारी जो है वो कहीं ना कहीं गाजीपुर से, इसके अलावा इमाम मुहिबुल्ला नदवी साहब जो हैं रामपुर से, इसके अलावा और भी कई सारे नेता हैं। तमाम नेताओं ने इस बार कमाल कर दिया है। देश के सदन में इस बार बेहद जबरदस्त चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, और इन लोगों ने तो इतिहास रच दिया है। और कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त बेहद जबरदस्त होने वाला है। अगर सरकार एनडीए की भी रहेगी तो बेहद मजबूत विपक्ष जो है केंद्र को मिलेगा, और यकीनन ये बात कही जा सकती है कि 400 पार की बात करने वाले लोगों के होश उड़े हुए हैं। और आप तमाम लोग इन जीत पर आपका क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यकीनन ये गाजीपुर की जनता को, गाजीपुर की जनता ने मुख्तार अंसारी को एक तरह से श्रद्धांजलि दी है और अर्पित किया है वो सीट उनके भाई अफजाल अंसारी को। और अफजाल अंसारी साहब की इस जीत में यकीनन वो सहानुभूति भी शामिल है जो सहानुभूति मुख्तार अंसारी साहब के इंतकाल के बाद मिली है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई सीट के साथ।